Hello everyone, the question is let f be a non-negative function defined on the interval close interval 0 to 1 if integration of 0 to x root of 1 minus f dash of t whole square dt equal to integration of 0 to x f of t dt where 0 is less than equal to x is less than equal to 1 and f of 0 equal to 0. हम यहाँ पे क्या information दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फंक्शन एक इंटरवल दिया है. क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है कि एक फंक्शन f है जो कि नॉन नेगेटिव फंक्शन है, कहाँ इंटरवल 0 से 1 के बीच में है. तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने के फिर चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या इसको सॉल्व करने के लिए न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेबनीज थ्योरम. तो लेबनीज थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ से, लेबनीज थ्योरम यहाँ से क्या हो जाएगा, लेबनीज थ्योरम क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स टू साइन एक्स इंटू एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ से साइन डैश ऑफ एक्स हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ से एफ ऑफ हो जाएगा फाई एक्स इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ से फाइव डैश ऑफ एक्स आ जाएगा. तो ये क्या होता है लेबनीज थ्योरम होती है. इसके अकॉर्डिंग जब यहाँ से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा दिस इज रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से वन माइनस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से एफ डैश ऑफ क्या, एफ डैश ऑफ हो जाएगा एक्स हो जाएगा और इसका क्या होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा माइनस इका जो वन माइनस एफ ऑफ जी एफ डैश जीरो होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू में जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो हो जाएगी. सिमिलरली जब इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा एफ डैश ऑफ हो जाएगा एक्स इंटू में हो जाएगा वन माइनस में यहाँ से भी का जीरो आ जाएगा और एक्स बिलोंग्स टू क्या है ओपन इंटरवल जीरो टू वन है, सॉरी ओपन क्लोज इंटरवल जीरो टू वन है. अब जब यहाँ से इसको हम सॉल्व करें तो क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा दिस इज वन माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से एफ ऑफ क्या एक्स हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं बोथ साइड इसको स्क्वायर कर देते हैं. जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हो जाएगा वन माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ से एफ डैश ऑफ हो जाएगा एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से एफ एफ ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स क्या होल स्क्वायर आ जाएगा. इसको जब यहाँ से हम सिंप्लीफाई करें तो क्या वैल्यू हो जाएगी एफ डैश ऑफ एक्स की पावर में क्या यहाँ से टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से वन माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ से एफ ऑफ क्या एक्स क्या होल स्क्वायर ये हो जाएगा. तो यहाँ से इसको जब हम और सिंप्लीफाई करें तो हमें एफ डैश ऑफ एक्स की क्या वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या वन माइनस में क्या, सॉरी यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ आ जाएगा क्या रूट ऑफ वन माइनस हो जाएगा यहाँ से क्या एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा. तो एफ डैश एक्स से लिखा था, एफ डैश एक्स को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ से डी अपान में क्या डी ऑफ एक्स इंटू में यहाँ से क्या एफ ऑफ एक्स राइट डाउन करते हैं. तो क्या वैल्यू यहाँ से इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा दिस इज प्लस माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या रूट ऑफ हो जाएगा यहाँ से वन माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ से एफ ऑफ एक्स क्या होल स्क्वायर हो जाएगा. तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके राइट डाउन करें तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा दिस इज डी ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ से रूट ऑफ वन माइनस ऑफ यहाँ से क्या एफ ऑफ एक्स क्या होल स्क्वायर हो जाएगा. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से ये डी ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा. अब हम क्या करते हैं इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे क्या रहेगा प्लस माइनस रहेगा, इसको हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे. तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर डी एक्स वन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है डी एफ एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ वन माइनस सॉरी ए स्क्वायर माइनस में क्या एक्स स्क्वायर अगर लिखा हो इसको इंटीग्रेट करते क्या आता है तो होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी होता है. तो जब यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से एफ ऑफ एक्स आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या एक्स आ जाएगा और यहाँ से क्या प्लस क्या कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा.
तो हमें यहाँ पे क्या दिया है कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या, जीरो दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है। हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, जब एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ ऑफ जीरो आएगा, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, जीरो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, जीरो प्लस में क्या कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा, सी की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट होगी, सी इज इक्वल टू यहाँ से क्या जीरो आ गया। तो इसको जब यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा है साइन इनवर्स प्लस माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ हो जाएगा यहाँ से एफ ऑफ क्या एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ से एक्स, तो साइन इनवर्स ऑफ दिस इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या प्लस माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या साइन साइन ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस एक्स आ जाएगा। और हमें पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी यहाँ से क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स क्या वैल्यू आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या प्लस माइनस में क्या साइन एक्स आ जाएगा। और क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि जो एक्स बिलोंग्स टू क्या है क्लोज इंटरवल जीरो टू वन, क्लोज इंटरवल जीरो टू वन है मतलब इसमें इसमें क्या है नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव फंक्शन है, तो यहाँ से हम नेगेटिव फंक्शन क्या करें रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ से एफ ऑफ एक्स क्या फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से साइन एक्स आ जाएगा। और हमें फाइंड आउट है क्या कि एफ ऑफ एक्स जो साइन एक्स है, साइन एक्स क्या होता है लेस देन क्या एक्स होता है। और क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ वन बाई टू क्या है, वन यहाँ पे क्या पुट करना है, एफ ऑफ वन बाई टू लेस देन वन बाई टू, एफ ऑफ वन बाई थ्री लेस देन वन बाई थ्री, हम यहाँ पे चेक करने से पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, वन बाई टू पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ जो एक्स है वो भी क्या हो जाएगा लेस देन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ऑफ वन बाई टू जो होगा लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ से वन बाई टू कॉमा एफ ऑफ जो वन बाई थ्री होगा दिस इज ऑल्सो लेस देन वन बाई थ्री। तो यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मतलब यहाँ से ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या इसमें ग्रेटर देन इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ दोनों में ग्रेटर देन इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या चाहिए तो दोनों लेस देन चाहिए, लेस देन चाहिए मतलब हमारा यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा यहाँ से एफ ऑफ वन बाई टू लेस देन वन बाई टू, एफ ऑफ वन बाई थ्री लेस देन वन बाई थ्री हो जाएगा। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, हमने सबसे पहले क्या कि इसको लेबनिज फॉर्मूला अप्लाई थ्योरम अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें यहाँ से एफ डैश एक्स फाइंड आउट हो गया। लेकिन हमें एफ डैश क्या रिडून कर सकते हैं, डी अपन क्या डी अपन डी एक्स एफ ऑफ एक्स रिडून कर सकते हैं, तो हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में रिडून कर लिया। तो ये क्या हो गया एक स्टैंडर्ड फॉर्म बने थी, बस डिफरेंस क्या था एक्स स्थान पर क्या था एफ ऑफ एक्स था दोनों प्लेसेस पे। जब हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या हो गया साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया एक्स प्लस सी। फिर क्वेश्चन हमें एक इन्फॉर्मेशन दिया होता कि एक्स इक्वल टू जीरो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है जीरो है, तो हमने एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया बोथ साइड, हमें सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से जीरो के इक्वल हो गई, साइन क्या ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई हमें यहाँ पर, साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन ऑफ क्या प्लस माइनस एक्स आ जाएगा। तो इसको हमें पता है कि जो साइन जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जीरो से वन में क्या है नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब हमें नेगेटिव फंक्शन को रिजेक्ट करना पड़ेगा माइनस साइन एक्स को, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो साइन एक्स होता है लेस देन एक्स होता है, तो इसके हेल्प से हमने क्या किया सिंप्लीफाई किया तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया।